ये हमारा जो हिंदी था, हिंदी कहानी चल रहा था, उसने कहा था, उसका सेकंड वीडियो है, सेकंड नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट नंबर वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोग उसने कहा था स्टार्ट किए थे, लेखक परिचय पढ़े थे और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो उसने कहा था कहानी उसको 5 खंडों में विभाजित करके हम लोग को पढ़ना है, तो जो खंड 1 है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन का डीपीपी भी आप लोग को दिए थे। तो उम्मीद है आप लोग वो सब सॉल्व कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं किए हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग खंड 2 जो उसने कहा था का खंड 2 है उसका अध्ययन करेंगे, उसके व्याख्या को समझेंगे। तो आप लोग भी क्या कीजिए, किताब निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। पेंसिल क्यों निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ लाइनें मिसिंग है या गलत लिखा गया है, तो उसको भी हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ कुछ लाइनें जो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, उसको भी हम लोग सुधार लेंगे और जो शब्दार्थ रहेगा उसका भी अर्थ हम लोग बगल में लिख लेंगे। तो इतना चीज़ आप लोग निकाल लीजिए और खंड 1 का जो पढ़े, ठीक है, जो नहीं पढ़े उसका हम थोड़ा सा समरी याद कर लेते हैं, ठीक है। खंड 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक सिख लड़का और एक सिख लड़की दोनों बाजार के चौक पर आके एक दूसरे से मिलते हैं, उन दोनों में बातचीत होता है, लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या, कुर्माई अर्थात सगाई, और लड़की पहली बार जवाब देती है नहीं हुआ है और धत बोलकर चली जाती है। 2-3 बार ये लोग ऐसे ही मिलता है और जब लड़का लड़की को चिढ़ाने के लिए उससे पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है, तो लड़की बोलती है हाँ मेरी कुर्माई यानी मेरी सगाई हो गई है। यह बातें सुनकर लड़के को बड़ा दुख होता है और वो कैसे कैसे करते करते अपने घर जाता है। यहाँ पर हम लोग खंड 1 पढ़े थे, इतना तक हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग खंड 2 पढ़ेंगे। तो खंड 2 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, ठीक, यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में जानकारी दे दे, जिससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअली खंड 2 में हुआ क्या है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जानकारी देने के लिए हम आपको बता दिए कि खंड 2 जो कहानी है ना वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या क्या उसमें हो रहा है। तो देखो, कहानी 25 वर्ष बाद से आरंभ होती है, मतलब जो लड़का लड़की एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, उसके 25 साल बाद की कहानी अब स्टार्ट हुई है। वहाँ के बाद जो लिखा गया है ना खंड 2 में, वो लड़का लड़की जब बिछड़ जाता है उससे 25 साल बाद की कहानी है। उस समय भारत पर ब्रिटिश सरकार लिखा है, ठीक है, सरकार का अधिकार था। हम लोग को पता है ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तो उससे पहले ही लिखा गया होगा। और उस समय का जो माहौल था उसमें भारत पर किसका अधिकार था, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। इसलिए जब ब्रिटिश सरकार और जर्मन का युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो ब्रिटिश वर्सेज जर्मन दो अलग अलग बहुत सारे देश थे, लेकिन हम अभी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे और जो जर्मन दूसरा देश, इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार के अधीन हम लोग का भारत था। तो हुआ क्या था देखो, तो ब्रिटिश सरकार अपनी सहायता के लिए भारतीय सिख सैनिकों को ले जाते, अर्थात ब्रिटिश सरकार किसी दूसरे देश से लड़ रहा था, अंग्रेज लोग किसी दूसरे देश से युद्ध कर रहा था, तो यहाँ पे भी हमारे भारत पे भी किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार। तो यहाँ से भी पंजाबी जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उन सबको अपने देश के लिए लड़ने के लिए कौन, ब्रिटिश सरकार ले गए थे, ठीक है, ले गए, जो अभी एक गुफा में छिपकर जर्मन सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं। और अभी की स्थिति, आगे जब कहानी खंड 2 जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे यही जो भारतीय सिख सिपाही जो गए थे, ठीक है, युद्ध करने, ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध करने गए थे, ठीक है, जर्मन के विरुद्ध, ठीक है, वो लोग अभी क्या है, जर्मन वालों से युद्ध कर रहे हैं और कुछ इस तरह का माहौल है कि ये लोग किसी खंदक में मतलब किसी गुफा में छुप कर क्या कर रहे हैं, जर्मन वालों से युद्ध कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ के कुछ पंजाबी सिख सैनिक कहाँ गए हैं, जर्मन वालों से युद्ध करने, और कहाँ पे रह के ये लोग युद्ध कर रहे हैं, फ्रांस में गए हैं, कहाँ पे गए हैं, फ्रांस की भूमि पे ये लोग गए हैं, सिपाही लोग गए हैं, ठीक है, और वहीं किसी गुफा में छुप के जो जर्मन है उनके जो दुश्मन है उससे क्या करे, युद्ध करे, गोला बारूद करे, वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो तुम लोग भी क्या करो, जल्दी से किताब निकालो और कहानी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा क्या होगा, अब जल्दी से रीडिंग करते हैं और अर्थ को समझ के ख़त्म करते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो अब वो लोग क्या है, जो भारतीय सिख सिपाही है वो लोग क्या है, एक गुफा में एक खंदक में छुपे हुए हैं और वहीं पे आपस में 4-5 आदमी हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसी में से एक सिपाही देखो क्या कहता है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ठीक है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ जाती है, खंदकों मतलब लिख लो गुफा, ये लोग कहाँ पे बैठे हैं, गुफाओं में, तो ही बोल रहा है, हड्डियाँ अकड़ जाती है, लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा मैं और बर्फ़ पड़ता है, लुधियाना जो पंजाब में उससे 10 गुना ज़्यादा बर्फ़ वर्षा, ठीक है,
और जाड़ा ठंडा यहाँ पे पड़ता है, कोई सिपाही ऐसा बोल रहा है जिस जगह पे वो लोग है। ऊपर से पिंडलिया तक कीच में धंसे हुए, और जो गुफा में है ना बहुत सारा कीचड़ है, कीचड़ कीच मतलब कीचड़, कीचड़ उनका जो पैर है, पैर मतलब पिंडलिया, ये जो मांस मांस होता है ठीक है, मांसपेशिया यहाँ का ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंडलिया बोलते हैं ठीक है। तो वो लोग जो सिपाही है वो बोलते हैं पिंडलिया तक कहाँ तक धसी है, कीचड़ में धसे हुए हैं, गनीम कहीं दिखता नहीं, घंटे दो घंटों में कान फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। वो जो सिपाही है वो बोलता है कि गनीम, गनीम मतलब लिख लो दुश्मन, दुश्मन कहीं दिखता नहीं, सिर्फ घंटों दो घंटों बाद वो क्या करता है, बम फेंकता है, जिसके कारण कान के जो पर्दे हैं बहुत जोर से आवाज़ होते हैं, जिसके कारण कान के पर्दे फट जाते हैं, और 100-100 गज धरती उछल जाती है। और बम के कारण क्या होता है, 100-100 गज जल्दी धरती जो है उछल जाती है। ये मैंने बोलने के लिए, सच में ऐसा कुछ होता नहीं होगा, बम बहुत बड़ा बड़ा बम फेंकता है तो बहुत जोर से आवाज़ होता है, धरती हिलने लगता है, तो इसी प्रकार का ये वो बोल रहा है ठीक है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े, और वो क्या बोलता है, गैबी, गैबी मतलब आसमानी गोला, देखो बम फेंकता है तो ऐसे फेंकता है ना कोई, तो बोलता है इस गैबी गोले से कोई बचे, क्या पता कब आके हम लोग को उड़ा दे, अगर इससे हम लोग छुप छुप के बचे तभी ना युद्ध करेंगे, इसलिए वो बोलता है। नगरकोट का जलजला सुना था, नगरकोट का जलजला सुना था, नगरकोट का जलजला मतलब वहाँ पे आंधी तूफान ठीक है, इस टाइप का माहौल था, बहुत भयानक माहौल था। यहाँ दिन में 25 जलजले आते हैं, मतलब यहाँ दिन में 25 बार आंधी तूफान वही मैंने विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, खतरनाक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है यहाँ जहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं, जिस खंदक में, जिस गुफा में। जो कहीं खंदक के बाहर सफा, सफा मतलब होता है पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं ना, उसी को बोलते हैं सफा, लिख लो सफा मतलब पगड़ी, बा कोहनी निकल जाए तो चटाक से गोली लगती है। जैसे ही ये लोग गुफा के अंदर छुपे हैं, थोड़ा सा भी इन लोग का जो पगड़ी है बाहर निकल जाए, ये कोहनी मतलब ये हाथ का ये वाला मांस ये हड्डी ठीक है, ये कोहनी बाहर निकल जाए तो क्या होता है, वो लोग जर्मन जो सिपाही है चटाक से क्या करते हैं, गोली मार देते हैं ठीक है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए या घास की पत्तियों में छुपे हैं, और नहीं मालूम हम लोग को तो पता भी नहीं, ये जो बेमान, बेमान यहाँ किसे कहा गया है, जर्मन सैनिकों को, जर्मन सिपाहियों को जिनके विरुद्ध ये लोग लड़ रहे हैं, ना मालूम ये बेमान किस मिट्टी में किस घास में छुपे हुए हैं, ऐसा एक सिपाही कहता है ठीक है। ये कौन कहता है, उस सिपाही का बता देना चाहता है, ये लहना सिंह अपनी भड़ास निकाल रहा है, वहाँ बैठे बैठे कोई लहना सिंह सिपाही है वो अपनी भड़ास निकाल रहा है ठीक है। तो लहना सिंह ये सब बातें बोल रहा था, तो उसके बाद ही देखो लहना सिंह को कोई रोकता है, लहना सिंह मतलब जो बोल रहा था ना, जो भी हम बोलेंगे, जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो तुम मेरे को रोकने के लिए क्या करेगा भैया, ऐसे बोलेगा ठीक है, तो ही बोला लहना सिंह, मतलब लहना सिंह को रोका। और कोई दूसरा आके क्या बोलता है, देखो 3 दिन और हैं, 4 तो खंदक में बीत ही गए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। यहां तक पहले समझो, 3 दिन और है, बोलते हैं 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बीत गया, मतलब 4 दिन तो 4 दिन तक तो हम लोग खंदक में बैठ ही गए हैं ठीक है, 4 दिन तो हम लोग का ये गुफा में बीत गया है ना, और 3 दिन बचा हुआ है, परसों रिलीफ आ जाएगी, मतलब 3रे दिन क्या आ जाएगी, रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ मतलब होती है सहायता, लिख लो सहायता। रिलीफ बोलने का मतलब कैसे, जैसे हम लोग 5-6 आदमी कहीं पे लड़ने गए ठीक है, तो वहां पे हम लोग लड़ने गए तो 7 दिन वहां पे जाके लड़ेंगे, और 7 दिन बाद हम लोग भी तो थक जाएंगे ना, तो हम लोग को 7 दिन के लिए आराम दिया जाएगा, फिर उस समय कोई दूसरा जाके 7 दिन के लिए लड़ेगा। तो ये 4 दिन हम लोग बिता गए हैं, 3 दिन और, 3 दिन और बीतेगा तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा ठीक है, 7 दिन हो जाएगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, आराम मतलब रिलीफ मिलेगा, हम लोग वहां से रिलीज हो जाएंगे और अपना क्या करेंगे, आराम करेंगे, उसी को बोला गया है रिलीफ मिलेगा ठीक है। अपने हाथों झटका करेंगे, झटका करेंगे मतलब बकरी को काटेंगे ठीक है, बकरी के गर्दन को क्या करेंगे, काटेंगे, उसी को बोलता है झटका करेंगे, और पेट भर खाएंगे, और क्या करेंगे, पेट भर खाएंगे। ये कोई सिपाही लहना सिंह को बोलता है। उस फिरंगी मैम के बाग में मखमल की ऐसी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को ठीक है। और ये लोग जब आराम करने कहीं जाते हैं ना, तो किसी फिरंगी मैम के यहाँ जाते हैं। अब फ्रांस में है तो फ्रांस में यहाँ की तो महिला रहेगी नहीं, महिला तुम ही की रहेगी, फिरंगी मैम मतलब कोई अंग्रेजन ठीक है, क्या अंग्रेजन, अंग्रेज स्त्री ठीक है। तो बोलते हैं उस फिरंगी के मैम, फिरंगी मैम के जहाँ पे हम लोग आराम करने जाते हैं ना, किसी फिरंगी मैम के यहाँ, वहाँ क्या है, मखमल सी घास है, उसके जो बाग, बाग मतलब बगीचा, बगीचा का जो घास है वो क्या है, मखमल, बहुत नरम है, फल और दूध की वर्षा करा देती है। और हम लोग वहाँ पे जाते हैं ना आराम करने, तो जो फिरंगी मैम है ना, हम लोग के ऊपर फल और दूध मतलब बहुत सारा दूध देती है हम लोग को पीने के लिए, बहुत सारे फल देते हैं हम लोग के
लोगे खाने के लिए। लाख कहते हैं दाम नहीं लेते, लाख कहते हैं मतलब वो जो सिपाही है ना वो कहता है, लाख कहते हैं मतलब कुछ पैसा ले लो, तुम इतना हम लोग को खिला रहे हो, दूध खिला रहे हो, फल खिला रहे हो, कुछ तो पैसा ले लो, लेकिन वो दाम नहीं लेती है। कौन दाम नहीं लेती है? वो जो फिरंगी मैम है ना जो इन लोगों को फल और दूध देती है, वो इन लोगों से दाम नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने, अर्थात फिरंगी मैम बोलती है कि फिरंगी जो मैम है या जो स्त्री है वो बोलती है तुम राजा हो मेरे मुल्क के, तुम मुझे बचाने आए हो, अर्थात हम ये जो भारतीय सिपाही थे हमारे वो किन के लिए युद्ध करने गए थे? अंग्रेजों के लिए ही ना, इसीलिए वो बोलते हैं तुम मेरे को बचाने आए हो, मेरे मुल्क मन मुल्क मतलब देश, मेरे देश को बचाने आए हो, मैं तुमसे पैसा नहीं लूंगी। ठीक है, अब देखो ये सिपाही को ही बोला था। उसके बाद लहना सिंह बोलता है, लिख लेना कौन 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 किस लाइन को बोलता है। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो लहना सिंह बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, चार दिन तक पलक नहीं झपकी, मतलब हम लोग चार दिन से यहाँ पे तो है इस गुफा में, इस खंडक में है, और पलक नहीं झपकी मतलब हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाए। पलक झपकना मतलब आँख ऐसे झपकना मतलब नींद आ रहा है, ठीक है, और चार दिन से हम लोग जगे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, और चार दिन से हम लोग की पलक झपकी नहीं है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, लहना सिंह बोलते हैं बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही। बोलने का मतलब क्या है, जब वो टमटम घोड़ा पे या फिर कोई घोड़ा रहता है ना, जब तक उसको लगाम लगाया ना जाए, तब तक उसको दौड़ाया ना जाए डेली, वो क्या होता है बिगड़ जाएगा। हम जैसे कोई घोड़ा है, ठीक है, उसको दो महीना तक सिर्फ बैठा दिए, ठीक है, और कोई उसे काम नहीं कराया, उसको दौड़ाया उड़ाया नहीं, तो जब दो महीना बाद हम उसमें बैठने जाएंगे ना, हम बोलेंगे उसको दाएं चल तो वो बाएं भागने लगेगा, हम बोलेंगे बाएं चल तो वो दाएं भागने लगेगा, मतलब मेरी बातों का आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जब किसी सैनिक को युद्ध नहीं करवाया जाता है या फिर वो सैनिक सिर्फ और सिर्फ बैठा रहता है तो भी क्या होता है, उसके भी अस्त्र जो होते हैं औजार उसमें क्या होता है जंग लग जाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से युद्ध नहीं कर पाता, दोनों ही क्या हो जाते हैं बिगड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। मुझे तो संगीन चढ़ाकर माच का हुक्म मिल जाए, ठीक है, लहना सिंह बोलता है मुझे संगीन चढ़ा के मतलब संगीन समझते हो, बंदूक रहता है, बंदूक के ऊपर जो नुकीली ये चाकू रहता है, चाकू जैसा कुछ रहता है ना आकृति, उसी को बोलते हैं संगीन। संगीन मतलब संगीत नहीं, संगीन मतलब जो बंदूक होता है, बंदूक के ऊपर जो नुकीली चाकू होता है उसी को क्या बोलते हैं संगीन। तो लहना सिंह बोलता है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मतलब एक बंदूक दे दीजिए, उस पर संगीन चढ़ा के मार्च का मतलब हमले का, मार्च मतलब हमले का, ठीक है, लिख लो, हमले का हुक्म मिल जाए। हुक्म मिल जाए मतलब हमको बता सिर्फ बोल इतना बोल दिया जाए कि तुम लो बंदूक लो संगीन लो जाके लड़ाई करो, ठीक है। फिर देखो, फिर सात जर्मनों को अकेला मार के ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकना नसीब ना हो पाए। बोलते हैं अगर मुझे ये सारी चीजें मिल गई, मुझको सिर्फ बोल दिया जाए ना, इजाजत दे दिया जाए ना हमला करने का, तो अगर सात जर्मन सिपाहियों को मैं अकेला मार के ना लौटूं ना, तो मुझे दरबार साहब के मत्था पर नसीब सॉरी दरबार साहब के हाँ दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकने का नसीब ना हो। दरबार साहब मतलब उनको पंजाबियों के जो धर्म गुरु है, ठीक है, जो उनका गुरुद्वारा होता है वहाँ पे जाके मेरा प्रणाम करने का पूजा करने का मेरा नसीब नहीं होगा, अगर मैं नहीं मार के लौटूंगा तो मैं उधर ही मर जाऊँगा, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, लहना सिंह बोलते हैं, ठीक है। पाजी कहीं के मतलब होता है दुष्ट, लिख लो, पाजी मतलब दुष्ट, दुष्ट कहीं के कलों के घोड़े मतलब रेत के घोड़े या मिट्टी के घोड़े बोल सकते हो, ठीक है। कलों के घोड़े किन्हें बोला गया है, जर्मन वालों को, जो लहना सिंह है अपनी भड़ास निकाल रहा है और जर्मन वालों को बोलता है कलों के घोड़े पाजी दुष्ट कहीं के, संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं, संगीन मतलब वही बंदूक के ऊपर जो नुकीली ये लगता है, बंदूक देख के मुंह फाड़ देते हैं मतलब डर जाते हैं घबरा जाते हैं, कौन जर्मन वाले, ठीक है, और पैर पकड़ने लगते हैं, और क्या करते हैं जब हम उनके सामने जाते हैं उन पर हमला करने जाते हैं बंदूक लेके, तो डर जाते हैं घबरा जाते हैं और हमारे पैर पकड़ने लगते हैं, हमसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि माफ़ कर दो, और ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, और जैसे ही अंधेरा हो जाता है छुपा के वो लोग क्या करते हैं 30-30 मन का मतलब बड़ा बड़ा गोला हम लोग के ऊपर फेंकते हैं। ये सब कौन करता है, ये जर्मन वाला जर्मन जो सिपाही है, ठीक है, वो लोग करता है। ये सब बातें कौन बोल रहा है, ये सब बातें लहना सिंह बोल रहा है, इस चीज को याद रखना, यहां लिखा नहीं है लेकिन लहना सिंह बोल रहा है, ठीक है, चीजों को ध्यान से सुना, ठीक है। उस दिन धावा किया था, चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था, लहना सिंह बोलता है एक दिन हम लोग धावा किए थे ना, तो चार मील तक मतलब बहुत दूर तक एक भी जर्मन नहीं छोड़े थे, सारे जर्मन सिपाहियों को क्या करते मारते बहुत अंदर तक उन लोग के इलाके में चले गए थे, ऐसा कौन बोलता है, लहना सिंह बोलता है।
फिर लहना सिंह ही देखो बोलता है, पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो कोई जनरल साहब है इन लोग के जो उच्च अधिकारी जिसको बोलते हैं जनरल साहब जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला, लहना सिंह तुम वापस आ जाओ अपनी सिपाहियों को लेकर। हम लोग क्या, लहना सिंह क्या कर रहा था, मारते मारते अंदर जा रहा था, लेकिन ये जो जनरल साहब है उन्होंने हुक्म दे दिया कि लहना सिंह तुम वापस आ जाओ, इसीलिए लहना सिंह बोलता है। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो ये लहना सिंह बोल रहा, नहीं तो उन लोग को दिखा देते, ऐसा मैंने कंप्लीट करना होता, ठीक है। तो कोई जो दूसरा सिपाही है ना, वहीं पे बहुत सारा सिपाही है, तो कोई दूसरा सिपाही बोलता है नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों, मैंने कोई मैंने मजाक में बोलता है नहीं तो सीधे क्या बर्लिन पहुंच जाते तो मारते मारते, समझ रहे हो, बर्लिन मतलब जर्मन की राजधानी, लिख लो, बर्लिन मतलब जर्मन की राजधानी, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी प्रकार जो जर्मन है जिसके विरुद्ध ये लोग युद्ध कर रहे थे उस देश की राजधानी क्या है, बर्लिन है। तो वही बोलता है नहीं तो क्या तुम मारते मारते बर्लिन पहुंच जाते। वहीं पे इन लोग का जो उच्च अधिकारी था जिसको सूबेदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूबेदार, ठीक है। इन लोग का जो सिपाही था उसका कोई तो मेन आदमी होगा ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सूबेदार, ठीक है, इन लोग का सूबेदार बोलते हैं, ठीक है। सूबेदार हजारा, यहाँ हजार सिंह लिखा है लेकिन होगा हजारा सिंह, क्या होगा, हजारा सिंह। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सूबेदार, सूबेदार का नाम क्या है, हजारा सिंह, मतलब इन लोग का जो उच्च अधिकारी था वहाँ पे जो मेन आदमी था, ठीक है, सीनियर आदमी था वो जो सूबेदार क्या है, एक पोस्ट है, जैसे पुलिस अफसर का पोस्ट होता है, हवलदार का पोस्ट होता है, उसी प्रकार आर्मी में हम लोग का क्या होता है, फौज में सूबेदार का पोस्ट होता है, ठीक है, अधिकार होता है, पदवी होता है। तो वही सूबेदार कौन था, हजारा सिंह। इन लोगों की बातों को सुन के, जो ये लोग बातचीत कर रहा था उसको सुन के सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, ठीक है। तो जो ये है अभी लहना सिंह क्या कर रहा था, ये सब बातें बोल रहा था कि हम उस दिन 4 मील तक मार दिए थे, ठीक है, अगर हमको हुक्म ना मिलता वापस लौटने का तो हम अभी मारते मारते कहाँ तक जाते, उन लोग को हरा देते, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहा था, ठीक है, लहना सिंह। तो वहाँ पे सूबेदार जो था, जो सीनियर था, इन लोग को बोलता है, क्या बोलता है कि जो ये युद्ध उद्ध है ना, उसमें जो नियम कानून बनते हैं ना, जो भी योजनाएँ बनानी पड़ती है ना, वो सब बड़े बड़े उच्च अधिकारी बनाते हैं, ठीक है, बोलते हैं बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बहुत दूर की योजना बनाते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, 300 मील का सामना है, मतलब तुम उसको मारते 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 हम लोग को अंदर में कितना जाना है, उन लोग के देश में 300 मील दूर जाना है, ठीक है, और तुम बोलते हैं एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, ठीक है, अगर तुम इधर से बढ़ते बढ़ते गए तो क्या पता वो लोग और योजना बना ले, तुम छोटा सा टुकड़ी लेके इधर से जाएगा, क्या पता वो लोग पीछे से हमला करके इधर हमला कर दे, हम लोग के देश पे हमला कर दे, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग को क्या करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। यहाँ पे सोचने वाला बात है, बोलता है जमादार या नायब के चलाए नहीं चलती, ठीक है, जमादार या नायब, जमादार एक पोस्ट है, पदवी है, ठीक है, सूबेदार से नीचे वाला पदवी क्या है, जमादार, जमादार, इस जो सिपाही था, जो दल था, जो पलटन भी बोलते हैं या फिर दल बोलते हैं, उसका जमादार कौन था, लहना सिंह, कौन था, लहना सिंह। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछेगा कि सूबेदार कौन है, तो हजारा सिंह, हजार सिंह लिखा है लेकिन होगा हजारा सिंह, और जमादार कौन है, लहना सिंह, ये ऊंचा इन लोग का सीनियर है और वो इससे थोड़ा सा जूनियर है, समझ रहे हो ना, इससे थोड़ा सा जूनियर, जैसे प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है, हेड मास्टर होता है, ठीक है, और एक टीचर इंचार्ज होता है, तो हेड मास्टर क्या ऊंचा होता है और टीचर उससे थोड़ा सा नीचे होता है, उसी प्रकार समझ लो ये सूबेदार ऊंचा वाला पोस्ट है और ये उससे थोड़ा सा नीचे वाला पोस्ट है। तो वही ये जो लहना सिंह है बोलता है हम उधर से हमला कर देते हैं, तो क्या होता है वहां पे जाते जाते लोगों को मारते रहते हैं, तो यही सूबेदार बोलता है कि लड़ाई में तुम लोग माने जमादार के चलाए नहीं चलती, मतलब तुम जो सोच रहा है ना कि इधर से एक तरफ से हमला कर देंगे, उसका चलाए नहीं चलते, बड़े बड़े अफसर, हम लोग से भी बड़ा, इन दोनों से भी बड़ा जो अफसर है ना, वो लोग जो योजना बनाएंगे हमको उसी का पालन करना होता है, ठीक है, तो इन दोनों चीजों को याद रखना, ठीक है। सूबेदार जी सच है, कौन, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, ये लहना सिंह अब क्या बोलता है, सूबेदार की बातों को सुनकर देखो, सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बलियों के सोते झड़ रहे, एक धावा हो जाए तो गर्मी हो जाए। सूबेदार की बातों को सुनकर बोलता, आप तो सही बोलते हैं, बड़े साहब लोग योजना बनाएंगे, बड़े अफसर योजना बनाएंगे, वो तो सही है, लेकिन हम लोग भी क्या करें, 4 दिन से इस खंदक में ऐसे बैठे हैं, इतना ज्यादा यहाँ
ठंड है कि हड्डियाँ क्या हुई है, अकड़ गई, हड्डियों में भी जाड़ा धस गया है। और क्या है, खंदक, जिस गुफा में, जिस खंदक में ये लोग बैठे हैं, वहाँ नीचे में क्या है, चारों तरफ से कीचड़ है, पानी है, और बगल से सोते झड़ है, मतलब बगल से जो दीवारें हैं ना, उनसे होते हुए बाहर का पानी अंदर में आ रहा है। खंदक के अंदर, गुफा के अंदर बाहर का पानी क्या हो रहा है, छेदों से आते हुए आ रहा है। ठीक है, एक धावा हो जाए, धावा मतलब हमला हो जाए, एक अगर हमला हम लोग कर दिए ना, तो हम लोग के शरीर में क्या हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, हम लोग के शरीर में क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगा, सब ना फुर्तीला हो जाएंगे। एक बार हमला अगर कर दिए तो हम लोग, एक बार धावा हमला कर दिए हम लोग, तो जितने भी यहाँ सुस्त आदमी है ना, सब क्या होगा, सबके शरीर में गर्मी आ जाएगी, सब क्या हो जाएंगे, फुर्तीले हो जाएंगे। ऐसा कौन कहता है, ऐसा लहना सिंह बोलता है। अब देखो, उद्यमी उठ मतलब अब सूबेदार देखो क्या कहता है। ठीक है, इन सब बातों को सूबेदार इन सब बातों को सुनकर सूबेदार क्या कहता है, उद्यमी मतलब होता है शरारती। अब वहाँ पे कोई एक शरारती सिपाही होगा, उसी को सूबेदार क्या बोलता है, उद्यमी उठ सिगड़ी में कोलेरा। सिगड़ी मतलब समझते हो, सिगड़ी मतलब होता है एक इस टाइप का बर्तन होता है कुछ, ठीक है, उसमें कोयला लकड़ी उकड़ी डाल देते हैं, ठंडा के दिन में हम लोग उसे क्या कहते हैं, आग सेकते हैं। ठीक है, हम लोग को बिहार में बोलते हैं उसको बोरसी बोलते हैं, तुम लोग का पता नहीं। ठीक है, बिहार में क्या बोलते हैं, बोरसी, इस तरीके ड्रॉइंग यहाँ पे आ रहा है, उसी को बोलते हैं सिगड़ी। तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडा था, तो ठंडा से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बर्तन में आग उग डाल के रखना पड़ेगा। तो वो भी बोलता है उद्यमी उठ मतलब शरारती, तुम उठ सिगड़ी में कोले डाल मतलब कोयला डाल, लकड़ी उकड़ी डालो। ठीक है, बजीरा तुम चार जने बाल्टी लेकर खाई का पानी फेंको। सूबेदार बोलता है बजीरा कोई वहाँ सिपाही होगा, बजीरा तुम चार जन मिलकर क्या करो, पानी जो खंदक में गुफा में जो ये पानी जम गया ना, उसको क्या करो, बाहर निकालो। लहना सिंह, यहाँ पे लहना सिंह को काट के लिखो महासिंह, गलत यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लहना सिंह को काटो और लिखो महासिंह, लहना सिंह को काटो और लिखो क्या, महासिंह। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदलते। सूबेदार बोलते हैं महासिंह कोई सिपाही होगा, महासिंह शाम हो गई, जाके दरवाजे का जो पहरा जो सिपाही दे रहा है उनको आराम करने बोलो, और किसी दूसरे सिपाही को क्या कर दो, दरवाजे पे पहरा के लिए लगा दो। या कहते हुए सूबेदार सारे खंदक में चक्कर लगाने लगा। या कहते हुए सबको अपना अपना काम दे दिए सूबेदार, और क्या कहे, सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ठीक है, चक्कर लगाने लगे। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अब देखो बजीरा सिंह का भी जिक्र हुआ, विदूषक कौन था, बजीरा सिंह। एमसीक्यू बनेगा बजीरा सिंह। अब तुम बोलेगा भैया ये भी कोई पदवी है क्या, पोस्ट है, नहीं ये कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, हंसी जो जोकर टाइप का आदमी होता है, जोकर टाइप मतलब एक ग्रुप होता है ना, दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें कोई होता है जो बहुत हंसी मजाक करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोग को पंजाबी में बोलते हैं विदूषक। क्या बोलते हैं, विदूषक बोलते हैं। ठीक है, या फिर जोकर हम लोग बोल देते हैं, बोलते हैं तुम बहुत हंसी मजाक करता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उन लोगों को जो एक समूह में रहने पे जो थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं या फिर विदूषक बोलते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, इतना समझ लो। तो जो ग्रुप था उन लोगों का, जो सिपाहियों का, जो फौजियों का जो ग्रुप था, उसमें सबसे हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति कौन था, तो बजीरा सिंह। इसीलिए बजीरा सिंह को क्या बोला गया है, यहाँ विदूषक बोला गया है। बजीरा सिंह पलटन का, पलटन मतलब वो जो समूह था उसका विदूषक था। बाल्टी से गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला। उसको क्या काम मिला था, बाल्टी से पानी निकालने का, तो ही पानी निकालता है, बाल्टी में भर लेता है और फेंकते हुए बोलता है, क्या बोलता है, मैं पासा बन गया हूं। देखो यहां पासा जो लिखा है ना, वो गलत वर्ड है। ठीक है, पासा का जगह होगा पाधा, पाधा, पासा को काट के लिखो पाधा। ठीक है, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। पाधा मतलब होता है क्या, देखो मैं पाधा बन गया, मतलब बजीरा सिंह बोलता है मैं पाधा, पाधा मतलब जो मरते हैं और उनका जो क्रियाकर्म करवाते हैं ना लोग, जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, जो उनका क्रियाकर्म कराते हैं उसी को बोलते हैं पाधा। तो बोलता है मैं क्रियाकर्म कराने वाला बन गया हूँ, अब जो जर्मन है उसका जो राजा है, राजा का तर्पण, तर्पण मतलब क्रियाकर्म, क्या क्रियाकर्म, मरने के बाद जो होता है ना क्रियाकर्म, वो करो, मतलब बोलता है मैं जो आदमी मर जाता है ना उसका जो क्रिया कर्म करने वाला आता है, मैं वो बन गया हूं। समझ लो जर्मन का राजा जो है, जो हम लोग का दुश्मन देश है, उसका राजा मर गया है, अब मैं उसका जाके क्या करता हूं, क्रियाकर्म कर देता हूं, मेरे द्वारा उसका क्रियाकर्म करवा दो। ये हंसी वाला बात था या जोक वाला बात था। ठीक है, इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। उनकी बजीरा सिंह के बातों को सब सुनकर क्या, सब खिलखिला लगे, सब हंसने लगे, हा 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 ऐसा करके हंसने लगे, और जो लोग उदास थे, थके हुए थे, वो क्या हुआ, दूर हो गया, उन लोग का उदासी दूर हो गया।
लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में दी। लहना सिंह को भी चार जन को मिला था ना, तो बजीरा सिंह, लहना सिंह और दो तीन आदमी होंगे, ठीक है, सब पानी फेंक रहे थे। लहना सिंह ये क्या करता है, पानी निकालता है, खंदक से पानी भर के, बाल्टी भर के पानी निकालता है और उसके हाथों में देकर कहता है, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी डालो। बाड़ी के खरबूजे में मतलब अपनी बाड़ी, मतलब बगीचे, ठीक है। ऐसे वो लोग मजाक में बोल रहा है कि तुम अपना इधर तुम्हारा बगीचा, हम लोग देखो पानी भी कहाँ डालते हैं, बगीचा में खेतों में डालते हैं ना, और यहाँ ये लोग क्या करता है, पानी निकालने के बाद है तो मजाक में बोलता है कि तुम्हारा अपना बाड़ी में, मतलब अपने जो बाड़ी है बगीचा उसमें क्या कर दो, पानी डाल दो, ठीक है। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिला, और ऐसा जो खंदक का पानी है ना पूरे पंजाब में ऐसा पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जिसको ये बाल्टी देता है खाद डालने के लिए बोलता है, ठीक है, पानी डालने के लिए बोलता है, वो देखो क्या बोलता है, ठीक है, हाँ देश क्या है स्वर्ग है, ये लाइन कौन बोल रहा है, बजीरा सिंह बोल रहा है, ठीक है, हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बजीरा सिंह बोलता है ये क्या देश क्या है, ये तो स्वर्ग है, ठीक है, और जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी ना तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि मुझे 10 गुना जमीन यहीं पे दे दे और मैं क्या करूंगा, यहीं पे फलों के बूटे मतलब वृक्षों के पेड़, फलों के पेड़ या वृक्ष लगाऊंगा, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बजीरा सिंह बोलता है। उसी में से कोई लहना सिंह, बजीरा सिंह, कोई तीसरा सिपाही यहाँ पे देखो क्या बोलता है, लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। तो कोई तीसरा आदमी बजीरा सिंह की बातों को सुन के बोलता है, तुम तो जमीन लेके यहीं पे रह लेगा, सरकार से जमीन मांग लेगा, 10 गुना यहीं पे रहने का प्लान है तुम्हारा, ठीक है, क्या लाड़ी हीरा मतलब अपनी जो प्यारी पत्नी है, ठीक है, लाड़ी हीरा मतलब पंजाबी में जो औरतें हैं, पत्नी हैं, उनको प्यार से लाड़ी हीरा बोला जाता है। तो ही बोलता है क्या तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ बुला लोगे या फिर फिरंगी मैम से शादी कर लोगे, उनसे ही विवाह कर लोगे, उसको छोड़ देंगे और अपने जो फिरंगी मैम है जो यहाँ हम लोग को दूध पिलाती है, फल खिलाती है, ठीक है, उनसे ही क्या कर लोगे, ब्याह कर लोगे, क्या शादी कर लोगे, क्या ऐसे मजाक में लोग दोस्तों में मजाक में वो बजीरा सिंह को बोलता है। कोई सिपाही चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं है। उसी पर लहना सिंह देखो अब कौन बोलता है, लहना सिंह चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं है, देश देश की चाल है मतलब हम लोग का देश का देश मतलब हम लोग का जो भारत है उसमें अलग चाल चलन है और ठीक है रहने सहने का ढंग है, और इस ये देश है फ्रांस जो है जिसमें हम लोग आए हैं इस देश का चाल चलन अलग है। आज तक मैं उसे समझा ना सका, ये कौन बोलता है, लहना सिंह बोलता है, आज तक मैं उसे समझा ना सका, उसे मतलब किसके, उस फिरंगी मैम को, कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट पीने पर हट करती है, होठों में लगाना चाहती और पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। लहना सिंह बोलता है जब हम लोग आराम करने के लिए, ठीक है, रिलीफ जब हम लोग को मिल जाती है, जब हम वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो जो फिरंगी मैम है ना वो क्या करती है, मुझे सिगरेट, मुझे तंबाकू पिलाने का कोशिश करते हैं, और मैं उसे बार बार मना करता हूँ कि जो सिख होते हैं, जो पंजाबी होते हैं, वो सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, और जबरदस्ती क्या करते हैं, मेरे होठों पे वो जो सिगरेट होता है, जो तंबाकू होता है, वो लगाने की कोशिश करती है, मैं बार बार उसे क्या कर देता हूँ, मना कर देता हूँ, और जब मैं वहाँ से जाने लगता हूँ उसको मना करके, तो वो बोलती है कि ये जो राजा है जो मेरे देश को बचाने आया है वो बुरा मान गया, अब लगता है मेरे देश के लिए नहीं लड़ेगा। ऐसी बातें कौन कहता है, ऐसा बात लहना सिंह कहता है, ठीक है, लहना सिंह कहता है, किसके बारे में कहता है, वो जो फिरंगी मैन जो इन लोग को दूध और फलों की वर्षा कराती थी उसके लिए ये सब बातें कहता है, ठीक है, यहाँ तक तुम लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो कुछ लाइन है जो मिसिंग है, लहना सिंह बोल रहा था, अब यहाँ पे कुछ लाइन है जो मिसिंग है, तुम पहले पेंसिल निकाल के लिख लो फिर हम आगे पढ़ाते हैं। नहीं लड़ेगा के बाद देखो अब अच्छा अब बोधा कैसा है, ये लिखो अच्छा अब बोधा कैसा है, जब लहना सिंह का लाइन खत्म हो गया ना तो उसके नीचे लिखो अच्छा अब बोधा कैसा है, बोधा सिंह कैसा है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, इसको लिखो, लिख लिए, ठीक है। तो अब ये जो लहना सिंह है वो जो भी बोल रहा था उसकी बातों को सुन के अब बजीरा सिंह देखो जो उन लोग का दोस्त था, ठीक है, वहाँ पर विदूषक था, वो क्या बोलता है, अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, लहना सिंह से बजीरा सिंह पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है, मतलब देखो ये बजीरा सिंह है, ये लहना सिंह है, ये बोधा सिंह कोई होगा, ठीक है, तो बजीरा सिंह लहना सिंह से पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है, अच्छा है, लहना सिंह बोलता है अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बजीरा सिंह देखो क्या बोलता है, जैसा मैं जानता ही ना हो, रात भर तुम अपने दोनों कम्बल उसे ओढ़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर अपना पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप किचन में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं बोलते। जब
लहना सिंह बोलता है कि बोधा सिंह जो है वो बहुत अच्छा है, तो बजीरा सिंह उसकी बातों को सुनकर बोलता है जैसा मैं जानता ही ना हूँ, ठीक है, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो, अर्थात वहाँ पे बहुत ठंड है, ठीक है, वहाँ पे क्या है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत ठंड है। तो वही बजीरा सिंह बोलता है कि तुम तो अपना दोनों कंबल उसे ही ओढ़ा देता है, किसको, बोधा सिंह को ओढ़ा देता है, आप सिकड़ी के सहारे गुजर करते हैं, मतलब आप जो बोरसी है सिकड़ी उसके सहारे ही रहते हैं, आपको भी ठंड लगते हैं लेकिन आग के सहारे आप रहते हैं, और आपके जो गर्मी वाला वस्त्र है जो कंबल है, ठीक है, आप सब उसको दे देते हैं, उसके पहरे पे आप पहरा देते हैं, मतलब फौजियों का जो काम होता है पहरा उड़ा देने का, ठीक है, उसके पहरे पे, मतलब बोधा सिंह के पहरे पे कौन जाके पहरा देता है, ठीक है, बोधा सिंह का काम कौन करता है, लहना सिंह ही करता है, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पे उसे सुलाते हो, वहां पे देखते हो कीचड़ उचड़ है तो सब कुछ भींग जाता है, तो लहना सिंह का जो तख्ता है सूखा है तो अपने सूखे तख्ते पे, मतलब सोने का जो जगह है उस पर किसको सुला देता है, वो बोधा सिंह को सुला देता है। आप कीचड़ में पड़े रहते हैं, आप मतलब लहना बजीरा सिंह लहना सिंह को बोलता है आप कीचड़ में पड़े रहते हो, मतलब दिन रात कीचड़ में बैठे रहते हो, अपने जो सोने का जगह है बैठने का जगह है सब पे किसको सुला देते हो, बोधा सिंह को सुला देते हैं। कहीं तुम ना मादे पर जाना, मादे मतलब होता है बीमार, मादे मतलब लिख लो बीमार, तो ही बोलता है बजीरा सिंह बोलता है लहना सिंह को कहीं तुम ना मादे पर जाना, मतलब कहीं तुम ना बीमार पड़ जाना, ये सब चक्रों में जो तुम उसकी सेवा कर रहे हो ना, इतनी ठंड में कम्बल उम्बल दे दे रहे हो ना, कहीं तुम ना मादे पर जाना, मतलब कहीं तुम ना बीमार पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मतलब ठंडा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, और ठंडा मार दिया ना तो ठंडा मार दिया ना तो तुमको क्या हो जाएगा, निमोनिया करके कोई बीमारी है हो जाएगा, बुखार उखार हो जाएगा और तुम क्या होगा मर जाएगा, और जो इस प्रकार से मरते हैं ना उनको मुरब्बे, मुरब्बे मतलब होता है शहादत, जो हमारे जो वीर सैनिक शहीद होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, ठीक है, शहादत, ठीक है, और कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा कि लहना सिंह लड़ने गया था और वहाँ ठंड से मर गया, तो क्या उसको वो इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नहीं, इसलिए बजीरा सिंह बोलता है कि तुम यहाँ पे ठंड के कारण अगर निमोनिया के कारण मर गया ना तो तुमको मुरब्बे मतलब वो शहादत वो इज्जत नहीं मिलेगी जो फौजी को मिलती है शहीद होने पर, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये बजीरा सिंह बोलता है, किसको बोलता है, लहना सिंह को बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि लहना सिंह क्या करता है अपना सारा कम्बल उम्बल तख्ता किसको दे देता है, बोधा सिंह नामक किसी सिपाही को दे देता है। आगे चल के पढ़ेंगे बोधा सिंह कौन है। मेरा डर मत कर, अब लहना सिंह बोलता है मेरा डर मत कर, तुम मेरा चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। कीरत सिंह कौन है लिख लो, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है, कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है, इसलिए बोलता है मैं तो कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए आंगन के आम के पेड़ की छाया के नीचे ही क्या करूंगा मैं मरूंगा, ठीक है। अब मरने मारने की बात करने लगा, ठीक है, तो बजीरा ने तेवड़ी चढ़ाकर, तेवड़ी मतलब गुस्से से, थोड़ा गुस्से से, ठीक है, बोलता है क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क, बोलते हैं ना हम लोग मरे हमारे दुश्मन, इसलिए बजीरा सिंह बोलते हैं क्या तुम मरने मारने की बात लगाया हो, ठीक है। ये लहना सिंह क्या बोलता है, हम तो अपना गांव में जाकर अपना भाई के गोद में जाकर मरेंगे, तो वही इसका दोस्त जो है वो बोलता है क्या मरने मारने की बात कर रहे हो, मरे जर्मन और तुर्क, ठीक है, तुर्क मतलब वो जो हमारे दुश्मन है, जो दुश्मन देश है जर्मन तुर्क जिसके विरुद्ध लोग लड़ रहे हैं वो लोग मरे, हम लोग क्यों मरे, हाँ भाइयों कुछ गाओ, और वो लोग बोलते हैं हाँ भाइयों, जो सिपाहियों का समूह है खंदक में जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं हाँ भाइयों कुछ गाओ, और लोग क्या होता है कुछ गाना लफड़ा टाइप का कुछ गाना नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ओरिजिनल जो कहानी है ना उसमें लिखा हुआ है पंजाबी में कुछ आशिकों का गाना टाइप का, ठीक है, आशिकों नौजवानों का जो गाना होता है उस टाइप का गाना यहाँ पे लिखा है, लेकिन 10 क्लास के सिलेबस में तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम समझ लो कुछ ऐसा ऐस मौज वाला वो लोग आशिकों टाइप का गाना गाते हैं, ठीक है, और वो लोग जब बोलते हैं ना गाना गाओ तो वो लोग कुछ गाने लगते हैं, उसके बाद लेखक लिखता है कौन जानता है कि दाढ़ी वाले घबराड़े सिख ऐसे लुच्चों का गीत, मतलब वही आशिकों का गीत, ठीक है, आवारा आशिक जिसको बोलते हैं ना उस टाइप का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी, मतलब वो जो गाने लगे ना लुच्चों का गीत उससे क्या हो गए सारे खंदक गीत से गूंज गए, सारे सिपाही क्या हो खुशी से गाने लगे, सिपाही फिर ताजे हो गए, सिपाही ताजे हो गए मतलब चार दिन की थकावट उन की दूर हो गई या फिर से ऐस मौज वो लोग करने लगे, मतलब खुश हो गए तंदुरुस्त हो गए, मानो चार दिन से सोते और मौज करते हैं, और ऐसा लग रहा है उन लोग का जो थकावट है जो उन लोग को नींद उंद आ रहा था ना गीत उत गाने से सब क्या हो गया दूर हो गया, और उन लोग को देख के अभी ऐसा लगता है कि चार दिन से ये लोग बहुत खूब में सोते हैं जागते हैं बहुत ऐस मौज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह हमारा खंड 2 क्या हो गया खत्म हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी आपको MCQ होगा वो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट का लिंक में मिल जाएगा, और जो फर्स्ट DPP था उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, और आप लोग क्या कीजिएगा इसके बाद खंड 3 जो है उसको एक बार पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।